साथियों, मैं आप लोग को आज एक बंगाली पीठा के बारे में बता रहा हूँ, जिसको चितई पीठा बोलते हैं। ये चितई पीठा मिट्टी के पात्र में बनाया जाता है, पर मैं इसको अप्पे के ट्रे में बना के दिखा रहा हूँ। पर अप्पे के ट्रे में बनाने से क्या होता है, अप्पे के ट्रे की थिकनेस थोड़ी सी गहराई ज़्यादा रहती है, और उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है पकने में, और थोड़ा कभी कभी गीला रह जाता है। ऐसे इसके लिए पर्टिकुलर क्या होता है, मिट्टी का साँचा ही सबसे सही रहता है। मिट्टी साँचा मिलता है आजकल कलकत्ता के मार्केट और बंगाल में, साँचा रेडीमेड बना मिलना चालू हो गया है। पहले के ज़मानों में क्या रेडीमेड मिलता नहीं था, तो लोग अपने हाथों से बनाते थे। मेरी माँ भी हाथों से बनाती थी। यहाँ से जब भिलाई से जाती थी, भिलाई कलकत्ता में आती थी और भिलाई जाती थी, तो यहाँ से मिट्टी ले जाती थी और उसको वहाँ मिट्टी से वहाँ पे भिंगा के साँचा को बनाती थी। पहले लोग बाग घर में अपने हाथों से ही साँचा को बनाते थे, तो साँचा में ही बनाने का नियम है। बहुत सारे जिलों में बहुत प्रकार के पीठा बनता है बंगाल में, तो ये बहुत सारे जिलों का नियम है कि मिट्टी के पात्र में ये चीती पीठा। आप लोगों को चीती पीठा किस तरह से बनाया जाता है और क्या 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 उसमें लगता है, सारा चीज़ मैं बताऊंगा। और ये मेरा नया चैनल है, और आपको अगर अच्छा लगे मेरा इस चैनल को, तो इसको लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर भी करिए। साथियों, चीती पीठा बनाने के लिए इसका प्रोसेस क्या है, क्या क्या सामान लगेगा, सारा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट में घूम के कहाँ से कहाँ गुड़ कलेक्ट कर किया मैंने, सारा चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आपको अच्छा लगेगा, स्किप मत करिएगा, पूरा अच्छी तरह से मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मार्केट में चावल बिक रहा है, ये उबला चावल का पैकेट है, वो आधा किलो 1 किलो के पैकेट बना के रखे हुए हैं। ये देखिए, गुड़ है, खजूर गुड़ के अलग अलग साइज़ के, अलग अलग क्वालिटी के गुड़ मिल रहे हैं, 100, 150, 200 रुपये किलो। और बॉटल में करके झोला गुड़ मिल रहा है, जो लिक्विड फॉर्म का खजूर गुड़ है वो भी मिल रहा है। तो मैं सारा चीज़ अब दिखा झोला रहा गुड़ हूँ कत गोड़े मार्केट में, दमदम के मार्केट का मैं दिखा 200 रहा हूँ। किलो देखिए, बॉटल में अरे इसको बोल झोला गुड़ या नॉलेन गुड़ बोलते हैं। 200 टाका, अरे एगुलो 120, এটা 200, আর এইগুলো 100। তুমি কি জয়ের মোয়া বিক্রি করছো? গুড় এটা 250 টাকা কিলো, ঝোলা গুড়। কোথাকার এটা? এটা নয়াটি, নয়াটি গুড়। ঠিক আছে, ये वही चीते पीठा बनाने का साँचा है, मिट्टी का साँचा। देखिए, गंगा मिट्टी का साँचा बना के उसको सुखा के गर्म करके मिट्टी में पका के बिक रहा है, 50 रुपया, 60 रुपया, अलग अलग साइज के हिसाब से। देखिए कत कर सड़ागुलो, देखिए उबला चावल का पाउडर है, जहाँ पे नहीं मिलता है वहाँ पे तो उबला चावल को भिगा के उसको मिक्सी में पीस के पेस्ट बनाया जाता है। यहाँ पे पाउडर मिलता है, पाउडर को ही आप घोल के बना सकते हैं। पाउडर को पानी में घोल लीजिए, घोल के उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक, बहुत ही कम नमक डालते हैं क्योंकि मीठा से खाया जाता है, हल्का सा नमक डाल जाता है। नमक डाल के उसका बैटर बना के इसको, ये देखिए अप्पे का ट्रे बनाए, एक्चुअली उसमें बनाने से ज़्यादा अच्छा बनता है, उसमें मिट्टी की सौंधी खुशबू भी आती है, और क्या है इसका डेप्थ, अप्पे का ट्रे में का डेप्थ ज़्यादा रहता है, इसलिए अंदर का हिस्सा थोड़ा सा गीला गीला रह जाता है, और ज़्यादा गर्म रखने देर रखने से क्या थोड़ा सा कालापन हो जाता है, इसलिए उसको मिट्टी के बर्तन में बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसको नॉलिन गुड़ के साथ में झोला गुड़ बोलते हैं, लिक्विड गुड़, खजूर का लिक्विड गुड़। मैं ब्रांडेड कंपनी का खरीदा, मैं लूज़ नहीं खरीदा, एक ब्रांडेड कंपनी है जिसका आजकल वो मिल रहा है, मैं इसका बॉटल को खरीदा हूँ। इसको लिक्विड गुड़ के साथ में, और नारियल, नारियल का किस के लिया हूँ, नारियल का बुरादा के साथ में, गीला नारियल को ला के उसको बुरादा निकाल के उसको खजूर के गुड़ के साथ में इसको खाया जाता है, अच्छा लगता है, मीठा मीठा रहता है। ये चितई पीठा, और ये खाने का प्रोसेस है। देखिए, उसको बनाने के बाद गरम गरम गर्मा गर्म ये इसको चाहते हैं, चीते पीठा को दूध के साथ भी उबाल के, गुड़ डाल के दूध में उबाल के, इलायची वगैरह डाल के भी बनाया जाता है, उसको दूध चीतोई पीठा बोलते हैं, दूध में उबाल के। मैं तो इसको गुड़ के साथ में इसको खाने के लिए तैयार किए हैं हमारे घर में। ये देखिए, ये गुड़ एकदम बहुत बहुत ही अच्छा सुगंधित सेंटेड है, वो ब्रांडेड है। नॉलेन गुड़ नहीं मिलता है, वो ठोस गुड़ को भी पानी के साथ उबाल के पतला बना के भी कर सकते हैं, उससे भी वैसे नॉलेज गुड़ का टेस्ट आता है उससे भी। ये मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।